हेलो फ्रेंड्स, डी आर डॉट आर के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि पित्ताशय की थैली के ऊपर हमारी सीरीज चल रही है, इस बार अपन जानेंगे पित्ताशय में होने वाले कैंसर को या गॉल ब्लैडर का कैंसर। तो इसमें कुछ तथ्यों के आधार पर अपन इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, जो ये कैंसर है पित्त की थैली का, वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बहुत सामान्य नहीं है। ये केवल 1 लाख की आबादी में केवल 3 केस ही मिलते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि उत्तरी भारत में इसकी इंसिडेंस कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा पाया जाता है, और पूरे विश्व में जापान में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे इसका एवरेज तो 3 केसेज पर लाख है, पर ये जापान में 7 केस 1 लाख की आबादी पे पाए जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरी और बड़ी इसमें बात ये है कि ज़्यादातर ये ज़्यादा उम्र पर पाया जाता है, 50 से 80 साल के बीच इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। और ये भी देखा गया है कि महिलाओं में पुरुषों से ये ज़्यादा पाया जाता है। फिर उसके बाद में ये है कि जो पित्ताशय और या पित्ताशय की नली होती है, उन सब नलियों को कुल मिला के जितने भी कैंसर होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ये पित्ताशय का कैंसर ही होता है। तो जितने भी कैंसर हैं पित्त की नली या बिलरी ट्रैक्ट कहेंगे, बिलरी ट्रैक्ट में जितने भी कैंसर हैं, उससे सबसे ज़्यादा जो भाग है वो गॉलब्लैडर के कैंसर का ही है। फिर उसके बाद और इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्री ऑपरेटिवली, ऑपरेशन से पहले, केवल 30% केसेज में ही इसका पता लग पाता है। बाकी ऑपरेशन हुआ और फिर जो गॉल ब्लैडर हिस्टोलॉजी के लिए भेजा, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो बायोप्सी में उसका डिटेक्शन हो जाता है। और अगर मान लो किसी को पित्ताशय की कैंसर के लक्षण आ जाते हैं, जैसे पेट में दर्द ज़्यादा समय तक रहना, वजन का कम होना, पीलिया होना और परेशानी उसके साथ में, जैसे खुजली होना या ऐसी कोई परेशानी आ जाती है, उसके लक्षण आ जाते हैं, तो समझो वो एडवांस स्टेज में पहुंच गया है। अगर लक्षण आते ही ये समझो कि वो ऑपरेटिव स्टेज में नहीं रहा है, वो उसकी मात्रा ज़्यादा शरीर के अंदर फैल चुकी है। फिर उसके बाद में है, जैसे ये भी और देखा गया है कि अगर पित्त की थैली में कैंसर 3 सेंट कैंसर ज़्यादातर उन लोगों में हो जाता है जिनमें पथरी 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी हो। मतलब इसमें यह है कि 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर पित्त की थैली में बड़ी पथरी होती है, तो उसमें कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा तो नहीं है कि हर पित्त की पथरी में कैंसर ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पथरी की साइज़ बढ़ेगी, वैसे वैसे कैंसर की संभावना बढ़ेगी, और जैसे जैसे लंबा समय बढ़ेगा, वैसे वैसे कैंसर की संभावना भी बढ़ेगी। और ये भी देखा गया है कि अगर पथरी कोलेस्ट्रॉल से बनी हो, तो भी कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो और ये और इसमें हिसाब है कि 80 से 90% केसेज में ये एडिनोकार्सिनोमा ही होता है। इसके में सेल कार्सिनोमा होता है, वो कम परसेंटेज में होता है। और जो एडिनोकार्सिनोमा जो पित्ताशय है उसकी अंदर की जो परत है, म्यूकोजा है, उससे ओरिजिनेट होता है, और धीरे धीरे करके गॉल ब्लैडर और आसपास की एरिया में फैल जाता है, जैसे लिवर में फैल जाता है, और बाइल डक्ट हैं, लिम्फ नोड्स हैं, उसके अंदर ये फैल जाता है। अपन ने ये देखा था कि मान लो जैसे अर्ली स्टेज में उसका ऑपरेशन होता है, जैसे स्टेज 1 या 2 में, तो वो क्योरेटिव होता है, मतलब मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि अर्ली पता लग जाता है उसको, अर्ली अवस्था में या आरंभिक अवस्था में पता लग जाता है, तो मरीज के ठीक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मान लो लेट स्टेज में पता लगता है, लेट पता लगता है, तो फिर ऑपरेशन उसका नहीं हो सकता है, उसमें कीमो या रेडियोथेरेपी की गुंजाइश बनी रहती है। फिर उसमें और एक देखने की बात यह है कि मान लो अपन ध्यान देते हैं, मान लो कैंसर का पता लग जाता है, तो उसको अर्ली स्टेज में जितनी जल्दी हो ऑपरेशन से वो ठीक हो जाता है। और इसमें और ध्यान ये रखें कि मान लो पित्त की थैली में पथरी की साइज बड़ी हो, तो ऑपरेशन को टाले नहीं। तो ऐसे करके अपन ऑपरेशन से या पित्त की थैली में जो कैंसर है या उससे वाले होने वाले ऑपरेशन है, उससे जल्दी अपन बच सकेंगे, क्योंकि ये अर्ली स्टेज में केवल जो सिंपल कोलिसेस्टेक्टोमी है उससे ही काम चल जाता है, रेडिकल कोलिसेस्टेक्टोमी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज ऐसे करके अपन ने पित्त की थैली में होने वाले कैंसर के बारे में जाना है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।